अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दीदी दबा रही थी, वाह क्या सीन है। तो क्या दबा रही थी, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। दबा दूं, शुरू करो। चलो दबाते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। 1 2 3 का खा रहे थे? केला खा रहे थे भाई। हमें भी खिलाइए आपका केला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर बोधी हमारे पास तो एक ही था, अगर आप कहें तो हम बाजार से जाके ले आएंगे आपके लिए। नहीं देखा मैंने आज। लौंडे पता है तुम्हारा बिहेवियर ना कभी कभी महामादर चोर हो जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे ये बताइए केले का साइज कितना था? हमें नापे तो नहीं थे, लेकिन हाँ इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा? अगर हम हाथ लगाते ना तो इतना बड़ा हो जाता। ओ भैया एक पार्ला जी दीजिए। पार्ला जी? पर भाभी जी को तो मारी पसंद है। ओ भैया एक हमाम साबुन दीजिए। हमाम? पर भाभी जी तो नीमा सैंडल गर्ल है ना। ओ भैया एक चॉकलेट भी दीजिए। चॉकलेट? पर भाभी जी को तो स्ट्रॉबेरी। ले साले। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बात बन, छोटा छोटा काम बन, चार बन, जब करेंगे तेरी बुराई। सुनो ना बाबू, एक बार दिखाओ ना थोड़ा सा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेबी तुम ना बहुत नॉटी हो रहे हो, लास्ट टाइम भी तुमने ना थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ देख लिया था। अच्छा सुनो ना, ऊपर ऊपर से दिखा दो बस। बहुत तेज हो रहा है। पहले तुम कसम खाओ, किसी को बताओगे नहीं। यार तेरी कसम, और कसम क्यों खाऊं यार, मैं नहीं कोई कसम वसम खाना। अगर तेरे को कसम चढ़ानी है तो फोन कट कर रहा हूँ। नहीं 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 बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं दिखाती हूँ ना। ओह माय गॉड, एक मिनट अभी मैं दिखाई। अबे यार ये स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ गया? अबे यार ये स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ गया? अब दिखा। चूचिया बनाया तुम। I want to tell you something. बोलो ना बेबी। वो जो मेरे ऑफिस में प्रियंका नहीं थी, सेक्स हो गया हमारे बीच में। ओह, ये क्या हो गया? तो क्या हुआ बेबी? It's not a big deal. और वैसे भी ठनक वाला वस्तु कहीं पे भी जा सकती है ना? ओह यार ये कितनी औसम है यार। रुको जरा, सबर करो। कितनी अंडरस्टैंडिंग है यार हमारे बीच में। एक सेकंड। मेरे हस्बैंड को कॉल आ रहा है, मेरे हस्बैंड को कॉल आ रहा है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं ना किया? नो नो नॉट एट ऑल, मैं अपनी पुस्की के साथ खेल रही थी। यू लाइक पुस्कीज राइट? आई लव देम। यू नो छोटी सी प्यारी सी। यानी कितनी औसम है। मेरे घर आओ ना, मैं आपको चावल दूंगा, फिर डाल दूंगा। क्यों डाल? माँ के हाथ की दाल। बड़ा हैरान हूँ। बेटा परेशान लग रही है। वो मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से मेरे सारे आंसर्स रॉन्ग आते हैं। बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तुम सेक्स चेंज करवा लो और प्रैक्टिस करते रहो। क्या सोच रहे तेरी? मजा आया। मैंने ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। गिफ्ट? आई मीन मेरा बर्थडे तो जा चुका है ना।
टेबल पर है। ये क्या है? कॉन्डम है। कितनी ऑसम है। तो बताइए फिर आपका साइज क्या है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे मोबाइल फोन का 5.8 इंच, 4.6 इंच या फिर जो भी लेटेस्ट चल रहा है 6.9 इंचेस। आप तो बड़ी चंट है, आपका क्या साइज है बताइए। अब आप हमसे मोबाइल फोन का साइज तो पूछेंगे नहीं। प्यारी समझ गई। तो बता देते हैं कि अगर आपने हमारी गोदी में सर रखा ना तो आप हमारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। क्या सीन है बहू जी? माँ जी, अरे भगवान इंतजार कर रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा, जल्दी लेकर आ। ओह प्रसाद। A few moments later. अरे मेधा बेटा। जी। रमाकांत का फोन आया था, वो कह रहा था कि तुमने उसका फोन नहीं उठाया, सब ठीक तो है ना? जी माँ जी सब ठीक है ना, वो क्या है ना उस टाइम पे मैं दबा रही हूँ। मैं बहादुर हूँ। अच्छा जी नहीं, तुम डरपोक हो। ये बड़ी अच्छी बात है। देखो मैं सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई सेक्स कर दूंगा। उठता है तेरा, उठता है बड़वा। बिब्बू तुम तो डर गए। माता क्यों डरा नहीं था? ये सच है बिब्बू डर गया। ऐसे लौड़े का छांता घुमा के तेरे मुंह में मारूंगा ना कि इधर लौड़ा छप जाएगा, फिर पूरी जिंदगी मेरा लौड़ा अपने मुंह में लेके घूमेगा। म्यूजिक। गाइस, मैं क्या सोच रही हूँ, हम लोग आइसक्रीम खाने चले? यार यहाँ इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है तो फिर बीच में घुस रही है, थोड़ी देर बाद आई चल। अरे मारे गए चाल देने, पता कौन सी चूसेगी आइसक्रीम। रुको जरा, सबर करो। साले जितना धरती के ऊपर है ना उतना धरती के नीचे कर दूंगा, और अपनी मम्मी तो पूछे कौन सी चूसेगी। चलो ये वीडियो खत्म हो गई, और ये सीन कैसे कमाल के थे, बीच बीच में भाई खतरनाक भी थे। कुछ लोग जो पाकिस्तान जान के भी अनजान रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, मासूमियत बोला पर सारे हरामी थोड़े होते हैं। यानी कि तुमको हरामी दिखता है? अरे भाई चश्मे के पीछे सभी का दिख रहा है, कौन है यार, कौन भला है यार, क्यों इस तरह की इससे इनकार तो नहीं कर सकते यार, तुम क्यों इससे बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। नहीं ऐनक पहनी है तो इसका मतलब है ये तुम्हारा जैसा है। नहीं ऐनक पहनी है तो फिर भी ये बाजार से खरीद कर लाया है, इसके साइज पूछो बता भाई तेरा कितना साइज है बता साइज है। दुकानदार वो हस्बैंड और चीजें खरीदने
तो वो कहता है फलान चीज दे दो, कहता है भाभी को तो वो पसंद है। तो वो जो जो चीज भी बोलता है भाभी को तो वो पसंद है, वो चॉकलेट बोलता है वो आगे से और नाम बता देता है। मतलब वो कॉन्डम के होते हैं ना फ्लेवर, आजकल कॉन्डम के फ्लेवर मिलते हैं। हमें तो भाई इतना पता नहीं है। नहीं। सब पता है मुझे, कैसे पता है नाम तू ले रहा है डाल मेरे पे रहा है, ये कैसे डालना का तेरे पे ही डालना का तेरे। अच्छा वो ना वो जो सीन था वो एक जो वीडियो कॉल वाला था भाई, अरे अच्छा खासा भाई हम बैठ कर शासन बंदों को गालियां देते थे, ये भाई साहब मामला को किधर लेकर आ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मामला वो जो पहला केले वाला सीन था वो कैसा तुमको दिखने। बात वहां से ही शुरू हो रही है भाई, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो बताना क्या चाह रही थी, इतने को इतना बड़ा करना चाह रही थी। वो कहती है जब मैं टच करूंगी तो और ज्यादा तुम्हारा तो भी नहीं सकता करके देख ले यार मेरे कान लाल हो गए। अरे भाई साहब ये सच बोलना है, ये सच बोलना है, पॉइंट पकड़ता है आजकल थोड़ा तो तेज हो गया, रुको जरा सबर करो। हाँ और वो जब बोलता है कि मैं यार गलती से सेक्स हो गया दूसरी लड़की के साथ, वो करती कोई बात नहीं। अच्छा वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको ये भी पता नहीं कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अच्छा वो पहले उसको देती है बताती है कि चलो कोई बात नहीं ये तो नॉर्मल चीज है, तो जब उसको पता लगता है कि ये तो शादी शुदा है इसके तोते उड़ते हैं फिर। और सनी लियोनी वो तो भाई क्या उनकी तो क्या बात है। इसका फैन तो यूसुफ है ही ना से ही। ये इसका फैन है वैसे क्या बताऊं, अभी मेरे कोच थे एज उनकी काफी थी, तो उस वक्त सनी मेरे पास छोटा मोबाइल था X2 वो नोकिया का था, तो उसके जब कॉलेज में था तो हम रेस लगाने जाते थे, रात को हम रेस लगाते थे 2 बजे पुलिया के ऊपर, वो ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ते थे और नीचे से ऊपर की तरफ स्पीड के लिए या स्टैमिना के लिए। तो अच्छा वो रात को क्या करते थे मोबाइल हमसे छीन लेते थे, क्योंकि हम सारी रात वो गाने सुनते रहना है या चैटिंग मैटिंग कर वो बिजी रहते थे। तो टीचर जो थे नहीं वो कहते थे जल्दी सो जाओ क्योंकि रात को 2 बजे उठना भी होता था ना भाई, तो अगर मोबाइल होता था वो लड़के होते थे सारे 20-25 होते थे तो वो बातों में लगे रहना वो ध्यान बनाए रखना। तो एक दिन वो हम गाना सुन रहे थे, सनी लियोनी का गाना था बेबी डॉल में सोने दी। अच्छा वो लगा वो जी हमारे तो ऊपर से कोचा के उन्होंने देख लिया तो पकड़ लिया, कहता ये क्या सुन रहे हो बगैर थी ये वो, मुझे काफी डांटा। अब वो मोबाइल रात को उनके पास रहा तो उसमें काफी गाने थे सुनते रहे। अच्छा दूसरे दिन ना मैं जब गया तो मुझे ना अच्छा, जिस दिन सर के पास था मोबाइल उस दिन सर भी नहीं उठा और तुम भी सोए रहे। नहीं 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 उठ तो गए थे। अच्छा दूसरे दिन जब गए ना तो सर बोलता मोबाइल है, मैंने कहा हाँ है। कहता अच्छा वो वाला गाना कल वाला लगा लत लग गई वो सनी लियोनी वाला गाना लत लग गई। और वो जो साइज वाली बात हो रही थी वो बोलती है मोबाइल का साइज क्या है, तो अच्छा उसके मोबाइल का साइज पूछ रही है और अपना साइज अलग बता रही है, कहती है तुम मेरा साइज पूछोगे तो हम बोलता है तुम्हारा साइज क्या है, कहती है गोदी में बैठ के मेरा चेहरा नहीं, मतलब बात को खुद ही आगे बढ़ा कर ले जा रही है ना। यही तो आजकल टैलेंट की बात है ना, कुछ लोग शर्माते रहते हैं मेरी तरह। अच्छा जो बर्थडे पर देरी की गिफ्ट है वो फ्रिज के ऊपर, हां वो सीन है उसका तो बर्थडे गुजर चुका था। हां कंडम दे रखी कहते तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, वो पीके वाली बात हुई ना। हां मेरा नहीं है भैया अच्छा पैसे कैसे दे रहे हो नाम सर तो ठीक है भाई मिलते नहीं मिलते चलो वीडियो जैसी भी थी एंजॉय किया भाई हमने, काफी लड़के लोग भी एंजॉय करते हैं आजकल तो मेम भाई आम हो चुके हैं, यूट्यूब पे सर्च करें तो भाई इतने एक से बढ़कर एक निकल आता है और ये रिकमेंडेड वीडियो है भाई। अब अच्छी है या बुरी है आप बस ना
जिगरा कर बर्दाश्त कर ले देख ले और इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, मूड फ्रेश हो जाता है कभी कभी देख के। तो ठीक है, मैं मिलते नहीं मीटिंग साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।